मेरी नेम है हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ हेड ट्रेन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों की जैसे हम पढ़े अपना डिस्कशन चालू करते हैं वोकैब के साथ और बीच में आते हैं ये हमारी ग्रामर की सेक्शन और सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं हम अपने टेक्स्ट बुक को, जो कि अभी हमारी टेक्स्ट बुक चल रहा है क्लास सिक्स का। ठीक है, तो क्लास सिक्स टेक्स्ट बुक में हम फोर्थ लेसन तक कम्प्लीट कर चुके हैं और हर एक लेसन के बाद एक हमारी छोटी सी पोएम आती है जिसका कि डिस्कशन हम करते हुए चलते अपने साथ में। ठीक है, तो हमारे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कल्पना चावला वाले स्टोरी के बारे में। कल्पना चावला की बायोग्राफी थी, मैंने आपको बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में भी डिफरेंस बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी मैंने इसमें डिस्कशन क्या किया था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी जो कोई और लिखे, यहाँ लिख दीजिएगा किसी की जीवनी कोई और लिखे, जब कोई अपना जीवनी स्वयं लिखे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, देखिए जब कोई जैसे बायोग्राफी, जीवनी का मतलब क्या होगा कि उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके पास्ट में क्या क्या घटनाएं उसके साथ बीती हैं उसके बारे में। ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे मेरी बायोग्राफी आप लिखते हो, ठीक है, मेरे बारे में, मेरी पास्ट घटनाओं के बारे में अगर आप लिखते हो उसे बोला जाएगा बायोग्राफी, लेकिन मैं अपने बारे में खुद लिखूंगा तो उसे बोलेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपने पोयम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमारी बात थी क्या, कल्पना चावला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में, उसके बारे में हमने रिकॉल करने का सोचा था, उसी में ये बात था क्योंकि उसमें कल्पना चावला की क्या लिखी गई है, बायोग्राफी लिखी गई है। कल्पना चावला अपना कहानी खुद से नहीं लिखी है, उनका कहानी रिपोर्टर या किसी और के द्वारा लिखा गया है, राइटर जो आपके बुक के हैं उनके द्वारा लिखा गया है, तो वो उसके राइटर हैं। ठीक है, वो खुद अपने बुक का राइटर नहीं है, तो ये बायोग्राफी होगी। तो कल्पना चावला एक ने के बारे में मैंने आपको क्लास में डिस्कशन किया था कि वो फर्स्ट लेडी थी जो कि अंतरिक्ष में गई हुई थी। ठीक है, और वो इंडिया और अमेरिका के थ्रू भेजी गई थी। ठीक है, वापस नहीं आ पाई, कुछ घटना हुआ वहाँ जो मैंने आपको क्लास में डिस्कशन किया हुआ था। और सबसे बड़ा चीज़ उनकी बातें, उनकी सोच जो कि आपको अपने खुद ऊपर अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि उनका बचपन से ही ड्रीम था एरोनॉट्स बनने का, अंतरिक्ष यात्री बनने का। ठीक है, तो वो अपने बचपन से ही अपने लक्ष्य को लेके चली साथ में और लास्ट में अंत तक पहुँचते पहुँचते लक्ष्य को पूरा किया और अंतरिक्ष में पहुँच के अपना पूरे इंडिया का नाम भी रोशन किया उन्होंने। तो वैसा आप भी अपने मन में अपने एम को फिक्स कीजिए और उस एम फिक्स एम के पीछे अपना पूरा फोकस को लगा दीजिए ताकि वो एम आपके पास आ जाए। ठीक है, और सब खुश ही रहें। आगे देखते हैं, आगे हमारा चैप्टर क्या है, पोयम क्या है, ब्यूटी पोयम का नाम है हमारा ब्यूटी। ठीक है, तो इसके पहले ब्यूटी पोयम से पहले कुछ दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं, पोयम से रिलेटेड कुछ चीज है। What is beauty? Try to describe what beauty is. ठीक है, सौंदर्य क्या है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए इसके इसको परिभाषित करने का। ठीक है, इसके बारे में बताने का। और list some of the things of person you think are beautiful. ठीक है, और कुछ लोगों के बारे की सोच के बारे में बताइए जो कि बहुत खूबसूरत है। Now let us read a poem on beauty. चलिए अब हम पढ़ते हैं पोयम, इस पोयम को जो कि सौंदर्य के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पोयम में क्या क्या डिस्कशन किया गया, पोयम में है क्या क्या। तो स्टार्ट करते हैं। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। सौंदर्य हमारा जो होता है वो सूर्य की किरणों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, द ट्रीज द वर्ल्ड कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपुल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हेल्थ। तो पेड़ हमारे जो हैं, हमारे पेड़ हैं, हमारी पक्षियाँ हैं,
उनमें हमारी सुंदरी को दिखी जाती हैं। जब कौर ने, यहाँ कौर का मतलब है मक्के की जो खेत होती हैं, और फसल जो लहलहाते फसल उगते हुए मक्के के फसल को देख के जब किसान खुश होकर झूम उठता है, नाच उठता है, उसे ब्यूटी बोलते हैं। वो एक अलग ही सौंदर्य होता है जो कि यहाँ शहरों में दिखता नहीं है, गाँव में देखने को मिलता है। जब भी कोई फसल का टाइम आता है तो ऐसा दिखने को मिलता है। जब धान का खेती होता है तो धान की खेती में जब सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, ठीक है, धान सूखने लगते हैं, तो उस टाइम जब बारिश अचानक से आ जाती है तो किसान उसको देख के, उस बारिश को देख के झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो गाँव में ये सब देखने को मिलता है। मैं भी वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो थोड़े बहुत नॉलेज है मुझे उसके बारे में, देखा हूँ मैं भी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। आगे देखिए क्या है आपके सेंटेंस का अगला पैराग्राफ क्या है। ब्यूटी इज हियर इन द नाइट विंड साइडिंग रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, ठीक है। ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है, हम उसे सुन भी सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बोलिए कैसे सौंदर्य, कोई चीज सुंदर है तो सुन कैसे सकते हैं। तो सौंदर्य का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज देखने में सुंदर हो, ठीक है ना। उसे हम देखिए जो हर चीज में सुंदर हो उसे हम सुंदर मानते हैं। जैसे कि कहने का मतलब यहाँ कोई पोएट का ये है, पोएट ये बोलना चाहता है, राइटर ये बोलना चाहता है, ठीक है, कि जब हम रातों में एकदम आराम से अपनी छत के ऊपर बैठे रहते हैं, शहरों में तो रात को भी वही हाल होता है, गाड़ी का पे पे हॉर्न आवाज आते जाते रहता है, लेकिन गाँव में जब रहिएगा आप तो गाँव में रात के टाइम में माहौल एकदम शांत हो जाता है, और अपने घर के बाहर या छत पे आप जब भी बैठोगे एकदम सनसनाती हुई हवा कान की साइड से निकलती है, इतनी मधुर लगती है, इतना अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो वो सारी बातों के बारे में पोएट ने डिस्कस किया है इस पोएम में, ठीक है। रेन फॉलिंग, जब बारिश होती है तो बारिश की छन 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 वाली बूंद टिप टिप करके जो सुनाई पड़ती है, वो भी एक ड्यूटी है जो कि पोएम ने बताया है, पोएट ने बताया है, सॉरी, ठीक है। सिंगर जब कोई धुन बनाता है तो उस धुन से निकलने वाला भी जो आवाज़ होता है, साउंड होता है, वो भी क्या होता है, एक अच्छी ब्यूटी होती है जो कि मन माइंड को रिफ्रेशमेंट देती है। काफ़ी सारे लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए ये सुनते हैं गाने को, ठीक है, कितना मोटिवेशन सॉन्ग सुनते हैं, या फिर मेडिटेशन वाले सॉन्ग भी आते हैं जो कि लोग अपने मन को शांत करने के लिए सुना करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है आपका स्टोरी कहाँ तक जाता है, सॉरी, पोएम में क्या होता है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, ठीक है, ब्यूटी अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज है। गुड डेट्स हैप्पी थॉट्स दैट रिपीट देम सेल्फ, ठीक है, अच्छी सोच के साथ साथ वो अपने आप को बार बार दोहराता रहता है। इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट, ठीक है, आपके सपनों में, आपके काम में, यहाँ तक कि आपके आराम में भी सौंदर्य होता है, और आपके पास उसे देखने की क्षमता है तो, ठीक है। हाँ, तो आजकल तो 80% लोग फ्रस्ट्रेशन में दिन रात रहते हैं, ठीक है, माइंड में काफ़ी सारा टेंशन बना देते हैं। गार्जियन तो गार्जियन बच्चों को भी फ्रस्ट्रेशन नहीं रहता है आजकल, एग्जाम का टेंशन, होमवर्क का टेंशन, ये करने का टेंशन, वहाँ जाने का टेंशन, बहुत सारा टेंशन है। तो पोएट यही बताना चाह रहा है कि इन सारे टेंशन से भी दूर एक दुनिया है जो कि बहुत ही सुंदर है। आप उसको फील करो, उसे महसूस करो, जानो, समझो, और माइंड को रिलैक्स करके रखो, और अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अभी टेंशन लेने वाली आपकी उम्र है नहीं, इतना कि आप टेंशन ले लेते हो फालतू का। तो हमारी ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट 5वां चैप्टर, जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हमको लगता है कि अभी हमको आपका साथ छोड़ना होगा, क्योंकि आज का मेरा सेशन समाप्त है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जोश और उमंग के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू।